कामरान मुर्तजा साहब। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये जो अब मामला एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है सदर की ट्वीट के बाद, तो ये तहकीकात उनके दफ्तर में किसने ये बिल आगे पहुंचा दिया? वो कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किया। सर जरा बता दीजिएगा कि तहकीकात होंगी तो वो कैसे हो सकती हैं, और क्या कोई फाइल सदर की नॉलेज में लाए बगैर इसी तरीके से आगे पीछे की जा सकती है अगर उन्होंने दस्तखत ही नहीं किए तो? उस पर ऐसा मुमकिन नहीं है। बात यह है कि बहुत आसान सा मामला था, बिल आए थे, बिल जब आते हैं तो वो बाकायदा उसी दिन जिस दिन बिल दूसरे हाउस से पास हो जाता है, एक से ओरिजिनेट होता है और दूसरे से पास होता है, और जिस दिन पास होता है उसी दिन, और अगर फर्ज कर दीजिए कि बहुत लेट नाइट हो गई है तो फिर दूसरे दिन, मतलब बगैर किसी डिले के सदर ऐवान सदर को इरसाल करते हैं, और अगर ये सेनेट में इरसाल करना हो तो चेयरमैन के साइन से जाता है, और नेशनल असेंबली में हो तो स्पीकर के साइन से जाता है, और अगर वो मौजूद ना हो तो डेप्टी स्पीकर के, और उसके बाद वो ऐवान सदर में बाकायदा ये प्रोसेस होता है किस वक्त, बल्कि टाइम तक किस पे दर्ज किया जाता है किस वक्त आया और कितने बजे आया, और उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि कोई चीज़ आए तो उसका टाइम ना लिखा जाए, और उसके बाद ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई चीज़ जाए तो उसका भी टाइम ना लिखा जाए। इनफैक्ट इसमें जो है ना ये सिचुएशन जो है ना लम्हा ब लम्हा इस ट्वीट के बाद तब्दील होती रही है। पहले जो समझा गया वो ये समझा गया कि किसी ने, बल्कि मैंने खुद भी यही समझा कि किसी ने सदर साहब के जाली साइन कर दिए और भिजवा दिया, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सदर साहब ने साइन भी नहीं किए और ऑब्जेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब साइन भी नहीं किया और ऑब्जेक्शन भी रिकॉर्ड नहीं किया तो सदर साहब शायद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस मामले में खेलना चाहते थे, और वो दोनों फरीकों को जो है ना वो मुतमिन करना चाहते थे। दोनों फरीकों से मुराद उनकी अपनी सबका पार्टी और दूसरा जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, तो ये दोनों फरीकों को मुतमिन करने के लिए उन्होंने उसको जाने दिया। इधर से स्मार्ट मूव थी, उधर से आगे से फिर स्मार्ट मूव हुई और अल्टीमेटली उन्होंने नोटिफाई कर दिया। तो कामरान साहब, क्या ये जो भी स्मार्ट मूव है क्या वो उससे इस तरह बचा जा सकता है? इस पर तहकीकात कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट इसमें ले ले, सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पे ले ले। देखिए बल्क में वो ना ये जब ये नेशनल असेंबली जा रही थी तो बल्क में बिल आए थे और वो सब सदर की एसन के लिए आए थे, और उनके साथ बाकियों के साथ क्या सलूक हुआ उनको सामने रख लीजिए, आपको बहुत जना बात सामने आ जाएगी। सर ये एक और अपडेट जो इसमें अभी तक हुई है, कामरान साहब मैं चाहती हूँ आप जरा इस पर भी रोशनी डालें कि जो कल ये हुआ कि ऐवान सदर ने जो सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी थी उनकी खदमात वापस कर दी हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, और ये कहा है कि हमें इनकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि अगर जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अगर उसकी गलती है तो उसको वापस कर देना खदमात को, बस ये मामला लिपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर सदर मुमलिकत को ख़ुद भी आवाज़ साबित करनी होगी कि जो वो कह रहे हैं उन्होंने ऐसा ही किया? देखिए ये मामला अब साबित करना होगा, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा है कि 25 करोड़ लोग या तो वो डिसीव हुए हैं 25 के 25 करोड़ को उनको धोखा देने की कोशिश की गई है, या सदर साहब को धोखा दिया गया है, या किसी की गलती है जो भी कुछ है, और अगर इतने बड़े ऑफिस में इतनी बड़ी गलती मौजूद है तो फिर तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, वो तो आपकी फौजों के कमांडर इन चीफ है, अगर उनसे कोई इस तरह की गलती हो जाती है या उस ऑफिस से इतनी बड़ी गलती हो जाती है तो इसका नतीजा आप जानते हैं क्या हो सकता है। और फिर ये कि ये इतना बारीक मामला होता है जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े कानून हैं, अगर वो उस पर एतराज़ात लगा रहे हैं और अगर उनके दफ्तर में किसी की नाअहली है जिसने उनको नहीं बताया, या फिर जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने इस पर खेलने की भी कोशिश की है सर, तो PTI जो है वो खुद चली गई है सुप्रीम कोर्ट, तो वो किस तरीके से इस मामले को उठा सकती है? जरा एक मिनट के लिए फिर एक चीज याद करिए आप। जी जी, आप ये याद करिए कि जिस वक्त ये आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट का बिल आया था सेनेट में, उसकी वो फुटेज निकलवा लीजिए, उस वक्त जब ख्वाजा आसिफ पेश कर रहे थे इसको तो ये सारे बाकी PTI वाले किसी और नाम पे ये ख्वातीन को ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ कहा था और बाहर निकल गए थे, ये बात आपको याद है? बिल्कुल सर। तो वो उस कंडक्ट को जो PTI का वो कंडक्ट था और उनकी एब्सेंस में मंजूरी हुई, हम इधर बैठ के अपोज करते रहे गवर्नमेंट अलाइज, और उनका कंडक्ट ये था कि खिसक जाओ, और इधर से जो ना ये दूसरा जो ना वो ये था कि साइन नहीं करते
और इसका शायद नतीजा ये निकलेगा, उन्होंने अंडरस्टैंड ये किया था कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये समझा जाएगा लीमिंग क्लार्क को, ये समझा जाएगा कि ये हम असेंड नहीं किया तो ये जाएगा जॉइंट सिटिंग के लिए। सही, सही। ये जो भी वकील साहब उनके थे उन्होंने शायद उनको ये इस तरह से मशवरा दिया होगा। उधर से भी स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि इस तरह से आया तो उन्होंने लूज बॉल आई है, लूज बॉल पे तो शॉट लग गई है, उन्होंने सिक्सर खेल लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर कामरान मुर्तजा साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात, बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती है। 76वीं में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।